स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, दिस इज़ योर जीके क्लास एंड आज आपको हम पढ़ाएंगे चैप्टर 10, जिसमें आपको कुछ मुगल एम्परर्स के नाम्स नेम यहाँ पर दिए गए हैं कॉलम में, और आपको सही नेम फिल करना है। द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर वाज, मुगल एम्पायर जिन्होंने मुगल साम्राज्य खड़ा किया था, तो उनका नाम बच्चों बाबर, His grandson who extended the empire in all direction, Akbar, इसको सही दिशा दी थी उनके जिन grandson कौन थे यानी पोते, ठीक है, किनके, मुगल सम्राट जिनका नाम बाबर, बाबर के जो grandson थे उनका नाम क्या था, अकबर। He was defeated by Babur इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर के द्वारा जिन्होंने हार पाई थी उसका नाम था इब्राहिम लोधी। बेटा ये बच्चों ये सभी मुगल एम्पायर थे। इसी तरीके से द मुगल एम्पायर हु वॉज डिफीटेड बाई शेरशाह सूरी एंड एक्सलेट फ्रॉम इंडिया, तो ये क्या थे, इनका नाम था हुमायूं। अकबर वॉज स्ट्रॉन्गली सपोर्टेड बाय दिस रीजेंट एंड मेंटर बैरम खान जिनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते थे, है ना, ये वो कौन थे, अकबर को ही इन्होंने जो है पूरी तरीके से जो शासक, एक अच्छा सशक्त शासक बनाया था, वो कौन थे, बैरम खान। अकबर डिफीटेड दिस किंग इन सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का जो सेकेंड युद्ध हुआ था बच्चों उसमें जो अकबर डिफीट हुए थे वो किस राजा से हुए थे, अकबर डिफीटेड दिस किंग इन दिस बैटल ऑफ पानीपत, तो उनका नाम क्या था, किंग हुमायूं। द मुगल हुज ओन सन बिकम अ रेबल अगेंस्ट हिम, वो मुगल जो कि अपने ही बेटे के अगेंस्ट थे उनका नाम जहांगीर, क्या नाम था बच्चों, जहांगीर। द मुगल एम्परर अंडर हुज रीजन द कल्चर एंड स्प्लेंडर ऑफ द मुगल कोर्ट रीच्ड इट्स पीक, बच्चों लिखिए शाहजहां। द एम्परर किल्ड हिज ओन ब्रदर एंड इम्प्रिजन्ड हिज फादर, वो एम्परर जिसने अपने भाइयों और अपने ही पिता का कत्ल कर दिया था, औरंगजेब। द लास्ट मुगल रूलर्स, लास्ट जो सबसे आखिरी मुगल शासक था उसका नाम क्या था बच्चों, उसका नाम था बहादुर शाह जफर। ओके, इसी प्रकार से अब आप लोग यहाँ पर मैचिंग दी गई है, मैचिंग जैसे बैटल ऑफ हल्दी घाटी, तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर डिफीटेड राणा सांगा, ठीक है, अकबर जो है राणा सांगा से डिफीटेड हुए थे, और इसी प्रकार से अकबरनामा जिसने लिखी है वो है अबुल फजल, ठीक है, दरबार नामा जिन्होंने लिखा है बच्चों वो है फेमस मुगल आर्ट वर्क। इस तरीके से अब आप दिए गए इस वर्क को अपनी बुक में फिल कीजिए, साथ में इन क्वेश्चंस को रीड कीजिए, ठीक है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप इसको ध्यान से लर्न करेंगे। ओके, बाय बाय, हैव